जेक दिल्ली यार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ चुका है। स्पोर्ट काउंसलिंग चल रही है, लोट ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एडमिशन। आज लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर साइंस करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, पर कैसे। इसके वीडियो के एंड में हम आज हमारा रिकमेंडेशन आप भी बताएंगे रिगार्डिंग द एरोस्पेस की कैसे यार एविएशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। एविएशन का एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, सैटेलाइट इंजीनियर, मिसाइल इंजीनियर, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। खैर शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं जेक दिल्ली की। हाँ जी, जेक दिल्ली, दिल्ली के कॉलेज है। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हाँ आपका भी बहुत इंटरेस्ट करता है दिल्ली। देखो दिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट है वैसे, हाँ आप कश्मीर से, कन्याकुमारी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, सब जगह डायरेक्ट कनेक्शन, ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो, फ्लाइट हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट घर टू दिल्ली, दिल्ली टू घर, घर टू दिल्ली, दिल्ली टू घर। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ बेटा संडे की और सैटरडे की छुट्टी हो तो घर आ जाना भाई, हाँ घर पे खाना वाना खा लियो, घी भी ले जाना थोड़ा सा। वैसे इंजीनियर्स होते क्या, चार साल क्या करते हैं वैसे, आप घर जाते हैं, घी लेकर आते हैं, थोड़ा थोड़ा अचार लाते हैं घर से और बस बैठ के खाते हैं, और हॉस्टल में रहते हैं। देखो दिल्ली वैसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे रीजन है, आपने हॉस्टल के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे वायरल होते हुए, हॉस्टल में बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, वैसे बैठे हैं नल्ले, बेरोजगार हैं। वो कहाँ के हॉस्टल है, वो हॉस्टल है आउट ऑफ दिल्ली के। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा होगा, अब बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, क्योंकि वहां पर क्या है, जब आप हॉस्टल से बाहर निकलोगे, वैसे तो कॉलेजेस, मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं, तो उसको क्या बनाया जाता है, शहर से थोड़ा दूर जंगलों के अंदर कैंपस को बना दिया जाता है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को सस्ती जमीन पड़ती है। हाँ जी, सस्ती जहां पर पड़ेगी वो या कोई तो कब्रिस्तान होगा या फिर कोई बड़े बड़े तालाब वगैरह होंगे आसपास, आप वहीं पे बना देंगे फाड़ों के आसपास भाई इंजीनियरिंग कॉलेज, लल्लू लाल, चामन लाल, हाँ अब चाहे वो IIT जो कुछ भी हो, ऐसा ही जनरली देखने को अब मिलता है। लेकिन आप जो बाहर वाले जो कॉलेजेज है, हॉस्टल से जब आप बाहर निकलोगे, आपको बिहार, झारखंड जैसे स्टेट्स के अंदर आपको मिलेगा धरना प्रदर्शन, बेरोजगारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और आपको बाहर वहां पे पौवा वगैरह वो भी मिल सकता है। लेकिन आप अगर दिल्ली से जब बाहर निकलते हो, दिल्ली के जो कॉलेजेज है, आपको क्या मिलता है भैया, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, जॉब प्लेसमेंट। भाई तुम्हारे पास कोई आइडिया है, कोई बात नहीं, तुमको इन्वेस्टर भी मिल जाएगा वहां पे, हाँ भाई तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर देगा, नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी, कॉर्पोरेशन भी है, फाइनेंस भी है, सब कुछ है। इसलिए लाखों बच्चों का सपना है वैसे दिल्ली। हाँ अब ये आपका सपना कैसे पूरा हो सकता है, एक आपको मैं आंकड़ा बताता हूँ यार, पिछले 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 2500 से भी ज्यादा बच्चों ने ड्रॉप किया है फ्रॉम द IIT, NIT, IIIT और GFTI इंस्टीट्यूट। वाई क्योंकि यार उन बच्चों ने एडमिशन ले रखा था प्रोडक्शन, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस के अंदर। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक ब्रांचेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आपने देखा होगा 3D प्रिंटिंग से सारा का सारा काम हो रहा है, बहुत सारे इंजीनियर्स की जॉब जा रही है अलग अलग फील्ड्स के अंदर। आप अगर टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े रहे तो शायद आपकी भी जॉब जा सकती है। तो लाखों बच्चों का ये सपना रहता है भाई CSE करना है, किसी भी हाल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, ये केमिकल प्रोडक्शन इसके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि एट द एंड केमिकल वाला बच्चा भी कोडिंग कर रहा है, प्रोडक्शन वाला भी कोडिंग कर रहा है, और सारे के सारे कोडिंग कर रहे हैं, तो मैं अपनी डिग्री भी उसी में लूँ ना, एट द एंड मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, तो मैं क्यों कंप्यूटर को केमिकल फालतू में क्यों पढ़ना पड़ेगा, साला मेरे को कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा और वो केमिकल भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब मैं कंप्यूटर वाली ब्रांचेज में ही जा सकता हूँ, हाँ उसी में जाना है मेरे को। काफी सारे पेरेंट्स के भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करेंगे जो कि फुल टक्कर दे रहे हैं आपके NSUT, DTU, IIIT, मतलब वो वाला माहौल तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप मतलब थोड़ी सी फीलिंग्स ले पाओगे, हाँ भाई गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, बस 4 साल कट जाए, शायद कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाए, और कोई ऑप्शन क्या आप लोगों के पास, और करोगे क्या, नहीं ना, नथिंग, इसीलिए बता रहा हूँ, डोंट वरी। पहले थोड़ा रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं, तो अगर एक कॉलेज है पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पटियाला पंजाब के अंदर है वैसे, हाँ एरोस्पेस का आपने नाम सुना, वैसे कोई स्पॉन्सर नहीं है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। देखिए और मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस के अंदर जनरली आपने देखा होगा आपको मिलता है भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल। एक हमारे देश में बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड आज के टाइम पे जो है वो है एविएशन सेक्टर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग,
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पर डे आज हमारे देश में 3000 से ज्यादा अब फ्लाइट्स फ्लाई करती है। सैटेलाइट इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। हर जितने एप्लीकेशन आप देख रहे हो मोबाइल में, जोमेटो, स्विगी या फिर लोकेशन मैप जो है, उनको अपने सैटेलाइट्स भेजने पड़ते हैं। हाँ जी, सैटेलाइट चाहे वो इसरो के जरिए हो, अदर अदर कंपनीज के जरिए हो, बहुत सारे नए नए एरोस्पेस स्टार्टअप आ रहे हैं, स्पेस स्टार्टअप आ रहे हैं। सैटेलाइट इंडस्ट्री इज अ बिलियन डॉलर मार्केट। अब मार्केट में कंपटीशन बहुत कम है। आज के टाइम पे अगर मेरी बात कहें तो मेरे को एरोस्पेस से ज्यादा ग्रोइंग फील्ड और कहीं देखने को नहीं मिलती है। वेल, ये गवर्नमेंट कॉलेज है वैसे, यार 2018 के अंदर ओपन हुआ, अभी तक 2 बैच गए हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा जरूर से पता लगा सकते हो। इनकी वेबसाइट है psac.in, स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी, ये एक छोटा सा रिकमेंडेशन है, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की क्वारी आती रहती है, भैया मेरे को मिसाइल इंजीनियर बनना है, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को आसमान में चांद पर जाना है, मेरे को वहां गैलेक्सीज की स्टडी करनी है, देन यार और अदर कोई आप लोगों के पास और भी एरोनॉटिकल के इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आरटीयू कोटा हो गया, जोसा में आप अगर देखोगे तो जोसा में आपको एक IIST शिवपुर या फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। और 5 IIT जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करवाती है, उसके बाद में तो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज है, और कोई आप लोग के पास ऑप्शन बचता नहीं है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं देन आपकी ऑलमोस्ट फीस माफ है, 0 फीस है, अगर आप पंजाब के कैंडिडेट हो तो। हाँ जी, पंजाब के लिए बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं देन आपके लिए भी गवर्नमेंट अलग अलग स्कॉलरशिप लाती रहती है। वेल, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, बात करते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कॉलेजों की। सो यार, आपका जेक दिल्ली में नहीं हो रहा है। वेल, स्टार्ट करते हैं हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर एट द एंड। गवर्नमेंट कॉलेज कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस कुछ कॉलेज टारगेट करेंगे अब, जो कि आपको CSE देंगे। अच्छा प्लेसमेंट भी होगा, इनोवेशन इंफ्रा टेक्नोलॉजी भी होगा। थोड़ा आपको यार मैं कॉलेज जानकार के बारे में बता देता हूँ। हाँ, आप देखो यार, कॉलेज जानकार बेसिकली क्या करता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम। आप अगर दिल्ली में देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, कोई स्टार्टअप में काम कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट है, बहुत सारे बच्चे भी हैं आज जिनको कैंपस में जाना रहता है, बात करनी रहती है, पेरेंट्स को यार छुट्टी नहीं मिलती भाई। अभी रिसेशन का ऐसा माहौल चल रहा है, छुट्टी ली निकाल देंगे नौकरी से, फिर वही समस्या जॉब वाली, आ तो करे क्या। लेकिन बच्चों का भविष्य बनाना भी जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हमारे बुढ़ापे का सारा वही बनेंगे, 4 साल बाद नौकरी लगेगी, एक बहुत बड़ी उम्मीद है भाई, अच्छा कॉलेज मिले, पढ़ाई करेगा 4 साल, अपना जीवन बिताएगा, सीखेगा कुछ, लेकिन करे क्या, जाए कहां, पूछे कहां से, बात किससे करे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शन आपने देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, चमनी चोर, चमन लाल आपसे पैसे लेते, भाई तुम्हें उसको 600 रुपए दे दे तो मेरे को 1000 रुपए दे दे, हाँ अब मैं तुमको प्रेफरेंस लिस्ट दे दूंगा और क्या दे दूंगा भाई, मैं तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, बस वो ज्वाइन कर ले, प्रेफरेंस लिस्ट दे ले और एडमिशन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं देखे होंगे आपने, और आपके पैसे चले जाते भाई, आपका एडमिशन हो ही नहीं रहा भैया, आप क्या करें, साल बर्बाद हो रहा है, बच्चे जाके लास्ट में एंड में BSc कोर्स कर लेते हैं, फिर से ड्रॉप आउट, फिर से तैयारी कर रहे हैं भाई। कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम भी आज हम रन कर रहे हैं। आप हमारे आपने बोर्ड लाइन नंबर देखा होगा, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे कॉल करो, पूछो यार हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन है भैया। आज दिल्ली के अंदर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है वैसे, आज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, इसका क्या काउंसलिंग प्रोसेस है भैया। आज जो नोएडा के जो कॉलेज है, गुड़गांव के जो कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वैसे सारे, इनमें कोई स्कॉलरशिप, डायरेक्ट इंटेंटिटी, कम फीस वाला कौन सा सिस्टम है, लोन कितना लगेगा, कब वापिस चुकाना पड़ेगा। आप कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा प्राइवेट वाला मुश्किल है। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करते हैं। देखो यार, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन रहते हैं, वैसे तो कॉलेज जोसा CCF के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आपने बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, जम्मू का बहुत फेमस कॉलेज है, ठीक है, बहुत पुराना कॉलेज भी है, हालांकि हमारे पेरेंट्स ने यहाँ से पढ़ाई की थी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर बात करें तो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, पंजाब की साइड अगर हम बढ़े, जैसे IK गुजराल, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऑल ओवर पंजाब के सारे कॉलेजेस को ये कवर करता है, सारे के सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट इसी से एफिलेटेड है। इसका मेन कैंपस काफी अच्छा है, कपूरथला जलंधर के अंदर, इसका अदर कैंपस अमृतसर भी बहुत अच्छा है, और इसके एफिलेटेड भी और बहुत अच्छे कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, यानी जेल सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज एन वेल एंड वेरी गुड कॉलेज। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानी जेल सिंह हमारे देश के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उसके बाद
में आपने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सुना होगा, अमृतसर के अंदर जो सिचुएटेड है, बहुत ज्यादा हाई प्लेसमेंट जाता है उसका, ऑलमोस्ट 35 लाख रुपीज और 32 लाख रुपीज का आपने हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा होगा। हाँ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी है ये की है। हाँ जी, अब वैसे जेक चंडीगढ़ के कॉलेजों को भी टक्कर देते हैं, वैसे एवरेज प्लेसमेंट भी काफी अच्छा जाता है इन कॉलेजों का। उसके बाद यार अगर अपन राजस्थान की साइड बढ़े तो वैसे तो राजस्थान में जो है रीप का काउंसलिंग चलता है, अगर आपने रीप नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वहां पे भी स्पोर्ट एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन चलते हैं। जैसे कि आरटीयू कोटा विलन है राजस्थान का, ऑलमोस्ट कॉलेजेस आरटीयू कोटा से अफिलेटेड है, एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है एंड इसका मेन कैंपस दिस इज वेल एंड वेरी गुड, बीटीयू बीकानेर, एमबीएम जोधपुर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, सीटीयू उदयपुर, एमएलवी टेक्सटाइल भीलवाड़ा। हाँ जी भाई, आपको कपड़ों के व्यापार में बहुत इंटरेस्ट है, फैशन डिजाइनिंग, कपड़े कैसे बनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आपको भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, एमएलवी टेक्सटाइल है भीलवाड़ा के अंदर, मेजोरिटी ऑफ द कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में जहाँ पे होती है उसी को, वहाँ पे कपड़ों के मिल भी काफी सारे हैं। हाँ, गुजरात में आपको लेना है कोई बात नहीं, वैसे तो गुजरात में एसीपीसी की काउंसलिंग चलती है लेकिन आपका भी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं वैसे। हाँ, कुछ ही सीटें वैकेंट रहती है यार इस मोमेंट पे, लेकिन आप डायरेक्टली बात करो, ग्रैब करो सीटों को, ज्यादा टाइम है नहीं आप लोगों के पास। यूपी में आगे बढ़ते हैं, यूपी, हाँ यूपी में तो बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन है, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डीम्ड यूनिवर्सिटी वैसे इसको कहा जाता है, MMUT मदन मोहन मालवीय, IIT लखनऊ, दिस इज वेल एंड वेरी गुड कॉलेज, 1962 से चलता हुआ ये कॉलेज, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए, बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी देता है। उसके बाद में और कौन कौन से कॉलेज है भैया, महात्मा ज्योतिबा फुले, हाँ ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, और DAV कॉलेज आपने सुना होगा, इंदौर के अंदर है ये, और कौन से कॉलेज है भैया, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, अब बहुत अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है, CUET JEE का स्कोर ये कॉलेज लेता है। उसके बाद में और भी कोई कॉलेज भैया, विक्रम यूनिवर्सिटी आपका हो गया, मेजोरिटी और भी बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ, जिन भी कॉलेजों में सीटें वैकेंट रहती है हम आपको अपडेट करते रहते हैं, आप हमारा पेड काउंसलिंग पर्सनलाइज काउंसलिंग भी ले सकते हो, हम बाकियों की तरह आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते कोई, हाँ जी ना ही आपको टेलीग्राम ग्रुप देते हैं, ना ही हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन और एक अच्छा सेटिस्फेक्शन। इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स के काफी सारे सवाल होते हैं, आपकी मम्मा के भी बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरा बच्चा कहाँ पर जाएगा, हॉस्टल कैसा है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा खाना होगा, कैसे जिएगा रहेगा, और डैडी के क्या सवाल होते भैया, इतने पैसे लगा रहा हूँ मैं, 5 लाख लग रहा है, 6 लाख लगा रहे हैं इस लल्लू लाल पे, ये 6-7 लाख कमा के देगा कि नहीं देगा हमें वापिस, लोन ले रहे हैं इसके लिए क्या चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, गारंटर तो हम बन रहे हैं अब, लेकिन क्या करें, अब चुकाना तो पड़ेगा। हाँ, बच्चों को पैदा करके बड़ा तो कर दिया, एट द एंड उनको कहीं ना कहीं पहुंचाना तो पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल आते भी, इतने लाख रुपए लगा रहे हैं, 8 लाख रुपए लगा रहे हैं, या 8 लाख वैसे कितने सालों में वापिस कमा लेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इंजीनियर्स की सैलरी 15,000 रुपए से स्टार्ट होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे 12,000 रुपए कमाते हैं, हाँ मंथली, रियलिटी है ये, दिल्ली के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे आपकी फीस 18-20-22 लाख रुपए रहती है और बच्चों का प्लेसमेंट 12,000 रुपए के टेली कॉलर की जॉब से स्टार्ट होता है, तो आप देख सकते हो वो 20 लाख रुपए कितने सालों में कमाएंगे, उसको बोलता है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आपको मिल रहा है, तो आप इसको एक CSR भी देखा जाता है भाई, कितना पैसा लगा रहा हूँ कितना पैसा वापिस आ सकता है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है जो की आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर सकते हो, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज रिकमेंडेड करते हैं, आपको अगर वो अच्छे लगते हैं आप हमारी पेड काउंसलिंग की तरफ जा सकते हो, एंड पहले आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाता।